हैदराबाद से देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से पहली बार दिल्ली के लिए अपनी उड़ान शुरू करेगा कि आज सुबह एयरपोर्ट पर विमान पहुंचा तो उसे वाटर सैल्यूट देकर उसका स्वागत किया गया। वहीं रविवार से इंडिगो शिरडी के लिए उड़ान शुरू करेगी। इसी के साथ विंटर शेड्यूल की शुरुआत भी हो जाएगी। विस्तारा एयरलाइन सुबह 6:55 पर दिल्ली से विमान सेवा की शुरुआत है। यह विमान सुबह 8:20 पर इंदौर पहुंचा। इसके बाद यहां से 8:55 पर उड़ान भरकर 10:25 पर दिल्ली पहुंचेगा। कंपनी की यह इंदौर से पहली उड़ान होगी। आने वाले समय में कंपनी इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने जा रही है। इस उड़ान में आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। लालवानी के साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल सहित स्टाफ की बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे, जिन्होंने यात्रियों को फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि इस विंटर शेड्यूल में इंदौर से उड़ान का आंकड़ा 110 पर पहुंच जाएगा। इस बार 4 नई एयरलाइंस इंदौर से ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, जबकि शिरडी, जयपुर, अजमेर और कर्नाटक के लिए उड़ान शुरू हो गई है।